मेहनत जब आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपकी मुकद्दर बन जाती है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी आज हो रहा है। हमारे साथ हमारे आज कन्वर्सेशन में एक ऐसे टॉपर हैं जिन्होंने इस साल जून 2020 का एनडीए यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर किया है विद JRF। जी हाँ, और इनका सब्जेक्ट रहा है पॉपुलेशन स्टडीज। हमारे साथ हैं आज इस इंटरव्यू में अभीपसा त्रिपाठी। वेलकम अभीपसा, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू सो आपने मच ये एग्जाम क्वालिफाई किया। आई थिंक ये एग्जाम क्वालिफाई करना हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है, और कहीं ना कहीं सर। सपने को पूरा करने के लिए हम बहुत शिद्दत से मेहनत भी करते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भी, और हम जानना थैंक यू चाहेंगे, सो हमारे मच। लर्नर्स भी जानना चाहेंगे आपके बारे में। आप अपना एक इंट्रोडक्शन दें ताकि स्टूडेंट्स आपके बारे में जाने, और इसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे बहुत सारे प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज की आपकी, और कुछ ऐसे स्टडी सोर्सेस को भी हम देखेंगे जो आपने यूज किए थे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन। ओके सर, आई एम अभिक्षा त्रिपाठी एंड आई एम फ्रॉम ओडिशा। आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एंड स्टैटिस्टिक्स में एज सच, मतलब स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के लिए कोई यूजीसी नेट का पेपर नहीं होता। मतलब हम अगर कोई स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट को नेट देना है तो यू हैव टू गिव इट इन पॉपुलेशन स्टडीज़। ओके मतलब okay. दोनों जैसे नेट होता है, यूजीसी नेट या CSIR नेट, दोनों में स्टैटिस्टिक्स एज इन कोई सब्जेक्ट नहीं होता। तो मतलब वो किसी ना किसी के साथ मिक्स होके ही आता है। तो व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, मतलब ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर अराउंड मुझे पता चला कि यूजीसी नेट में पॉपुलेशन स्टडीज़ का ही सब्जेक्ट है एंड वी कैन गो फॉर इट। फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया फ्रॉम माय एंड एंड 3 अटेम्प्ट लगे मुझे JRF क्लियर करने में। एंड एवरी टाइम ये होता था कि दोनों बार नेट जब हुआ तो बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस से मेरा JRF नहीं हुआ। ओके सो आई रियली फेल्ट बैड, बट उस टाइम के लिए बुरा लगता था, लेकिन फिर लगता था कि नहीं, अभी थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो हो जाएगा JRF। फिर थोड़ा सा स्ट्रेटेजीज चेंज किया और सोर्सेस बदले, फिर उसके बाद फाइनली JRF फाइनली दिस फाइनली टाइम। जेआरएफ जेआरएफ हो गया। नहीं, डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार एक ही ट्रैक पे होते हैं, अपने प्रिपरेशन के चेंज नहीं करते हैं, इसलिए बार बार एक ही जैसे रिजल्ट्स भी आते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि आपको भी चेंज करना पड़ा, तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? मतलब अगर ऑफिशियली देखें तो दिस इज माय फोर्थ अटेम्प्ट, बट फोर्थ। मतलब मैंने स्टार्ट किया था दिसंबर 2018 से। तब तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था दिसंबर 2018 के अटेम्प्ट में कि पेपर 1 में ये सिलेबस होते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि बस टीचिंग एप्टीट्यूड है तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और आंसर करना है। ऐसे ही मैं DI को भी मतलब एकदम से मैथमेटिक्स की तरह लेके आंसर करती थी। पर धीरे धीरे पता चला कि पेपर में और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 भी इतना वास्ट है, मतलब हर एक सिलेबस को डीपली पढ़ना पड़ता है। फिर जून 2019 में हो गया नेट, अच्छे से पढ़ाई किया। उस टाइम तो मतलब मेरा सेकेंड सेमेस्टर था और उस टाइम पे ओडिशा पे ये जो के चक्कर में हम लोग का सेमेस्टर भी बहुत डिले हो गया था। तो एज अ होल बहुत कम टाइम मिला था मैं प्रिपेयर करने के लिए। तो नेट हुआ बट 2 मार्क्स के लिए JRF रह गया फिर। 2 मार्क्स के लिए रह गया। अच्छा, उस वक्त दो कैसा लग मार्क्स रहा था कि 2 मार्क्स के लिए रह गया? क्या सर, फील दो कर रहे मार्क्स के थे? लिए ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ ऐसा कमी हो गया होगा, मे बी सिलेबस देखने में या फिर कुछ और ज़्यादा डीपली जाने में। अगर वो चली जाती तो शायद हो जाता JRF। उस समय मेनली बुरा ये लगता है कि फिर से 6 महीने का मेहनत है, अभी 2 मार्क्स की वजह से और 6 महीने पढ़ना पड़ेगा। तो वो सब मिलाकर के 6 + 6 1 ईयर हो जाता है, 1 ईयर हो क्योंकि जाता है। लास्ट आपके 6 मंथ जो आपने एफर्ट दिए थे और अभी जो अपकमिंग आपके होंगे, 1 ईयर का पूरा एक हाँ पीरियड हो जाता है। हाँ ओके, तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, थोड़ा सा अनट्रेडिशनल रहा है आपका सब्जेक्ट पॉपुलेशन स्टडी में, आपने JRF क्वालिफाई किया एंड यू डिड योर हाँ सर, मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स, हाँ है ना, सांख्यिकी में आपका मास्टर्स। स्टैटिस्टिक्स, हाँ तो कैसे, मतलब ये स्विच हाँ करने का कारण क्या था, थोड़ा इसको डिटेल में बताइए, और पॉपुलेशन स्टडीज के टॉपिक्स क्यों ऐसे, मतलब क्यों, मतलब कितने परसेंट तक मैच कर रहे थे आपके उस स्टडी से या आपके मास्टर से? तो पहले अपने इस स्विच को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए।
सर, जैसे कि हम लोग मास्टर्स में आते हैं, एज एवरीबडी डज, कि मास्टर्स के टाइम पे सबको डिस्कस करते हैं कि नेट क्लियर करना है, यूजीसी नेट देना है, सीएसआईआर देना है. मैं भी सर्च कर रही थी क्योंकि आई वॉज प्रिटी श्योर कि सबके सब्जेक्ट पे मास्टर्स में होता है नेट, तो मेरे सब्जेक्ट में भी होगा. होगा आई वॉज सर्चिंग बट देन आई फाउंड कि कहीं पे भी स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं है. नहीं है तो फिर मैंने देखा कि एक पॉपुलेशन स्टडीज होता है, पॉपुलेशन स्टडीज करके उसमें स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट जाते हैं एग्जाम देने. तो हमारा जो मास्टर्स का सिलेबस होता है उसमें एक सेमेस्टर में एक छोटा सा यूनिट था, मतलब आप कह सकते हैं एक पेपर था. पेपर मास्टर्स में जैसे डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स होते हैं ना, एक पेपर था मेरा पॉपुलेशन स्टडीज का, डेमोग्राफी नाम से. तो उस पर मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था जब मैं पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट तो मैं अच्छे से दे सकती हूँ, मैं अच्छे से क्वालिफाई कर सकती हूँ उसमें. फिर मैंने उसको और डीपली पढ़ना स्टार्ट किया. उस समय तो मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं था, जो मतलब क्लास में पढ़ाते थे या फिर गूगल करते थे, बस उतना पढ़ा. फिर उसके बाद थोड़ा सा रिसर्च करते करते मैंने दो चार बुक्स और कलेक्ट किए, फिर उसमें से पढ़ाई करना स्टार्ट किया. जो मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला होता है ना बुक, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन टू द थ्योरी, वो सब पढ़ने के लिए मैंने दो तीन बुक्स फॉलो किया. फिर उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के और मेनली सिलेबस को देख के मैंने फिर प्रिपरेशन किया. ओके, तो कैसा रहा मतलब स्विच करने का मेन मोटिव ही ये था. सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना, क्योंकि पेपर तो उस एग्जाम आपके सब्जेक्ट में तो हाँ होता नहीं, हाँ उस एग्जाम का पेपर तो होता नहीं. हाँ, तो मतलब कैसे आपने फिर प्रिपेयर किया, क्योंकि पॉपुलेशन स्टडीज का एक छोटा सा डेमोग्राफी का सेक्शन आपने मास्टर्स में पढ़ा, तो मास्टर्स के उस हाँ सर, पेपर से JRF होना तो थोड़ा सा मुश्किल है, मैं कहूँगा नेट भी होना मुश्किल है. हाँ. हाउ यू प्रिपेयर द होल सिलेबस सर सबसे पहले, यूनिट 10 हाँ ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, तो पहले इसके बारे में जानेंगे हम आपसे. सर सबसे पहले तो मैंने जैसे सिलेबस डाउनलोड किया और सिलेबस को मैंने थोरोली देखा कि उसमें से कौन कौन सा टॉपिक मेरे सिलेबस के साथ मैच करता है, कॉमन है एग्जैक्ट जो जो हाँ कॉमन टॉपिक्स है. लेकिन हम लोग जो मास्टर्स में पढ़ते थे वो तो बहुत छोटा सा पार्ट ही था, आप कह सकते हैं एक दो फॉर्मूलाज था बस उतना ही. फिर उसको धीरे धीरे और डेवलप किया थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ा मटेरियल होता है पढ़ने के लिए. जब आपके पास कोई ऐसे एज इन कोई फुल ऑन सिलेबस या बुक ना हो तो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करना बहुत जरूरी है. जरूरी है, उसके बेसिस पे आप भी कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं. जैसे 10-12 साल का क्वेश्चन पेपर देख लिया तो उसमें पता चल जाता है कि कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. और मैंने ये देखा कि एक टाइम तक मतलब 2017 नवंबर तक जो पेपर्स होते थे उसमें पेपर 1 पेपर 2 के दो पार्ट होते थे, पेपर 2 पेपर 3 ऐसे करके. लेकिन 18 से वो चेंज हो गया था पैटर्न. तो जैसे ही पेपर का पैटर्न चेंज हुआ सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज हो गया था. फिर मैंने वो न्यू सिलेबस के बेसिस पे फॉलो करना स्टार्ट किया. और रिसेंटली मैं बोलूँगी दिसंबर 2019 से, मे बी शायद दिसंबर 2019 या जून में, ज्योग्राफी वालों को भी अलाउ किया कि आप भी दे सकते हैं पेपर. एक स्पेशल नोटिस आया था कुछ यूजीसी के में. फिर जैसे ज्योग्राफी वालों को भी अलाउ किया तो फिर उस पर ज्योग्राफी के भी सब्जेक्ट्स आ गए. तो फिर मैं आपके क्लासेस देखने में स्विच हो गई. तो फिर ऐसे करते करते मैंने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से, दो बुक तो होते हैं जैसे हम लोग के बेसिक स्टडीज के, एक एक डेमोग्राफी का होता है वो भेंडे आसा भेंडे और तारा कनेक्कर का बुक, और एक होता है राम पाठक का टेक्निकल एनालिसिस का. तो वो दो बुक मैं अच्छे से फॉलो करती थी बेसिक रीडिंग के लिए. लेकिन अभी का पैटर्न जैसा हो गया है ना कि वो बुक पढ़ के आप नेट क्लियर कर सकते हैं बट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें बस बस बेसिक बेसिक चीज़ें लिखी है, अंडरस्टैंडिंग्स लिखी है. तो फिर मटेरियल्स गूगल से सर्च करके मैंने ऐसे कलेक्ट करके अपने मटेरियल बनाए, मतलब अपने से स्टडीज किया सिलेबस को देख के. तो आपने खुद के नोट्स तैयार किए सिलेबस के अकॉर्डिंग, हाँ सर खुद के नोट्स तैयार किए. हाँ, कितना जरूरी सर है सिलेबस अगर देखे तो उसमें तो 10 यूनिट्स होते हैं सर. मेरे पेपर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हाँ मतलब हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमारे पास 10 यूनिट्स होते हैं, बट मैंने सिर्फ 10 यूनिट्स को 10 यूनिट्स के हिसाब से नोट्स नहीं बनाए. क्योंकि जैसे कि हमारा एक टॉपिक होता है फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी एक यूनिट में है लेकिन फर्टिलिटी के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स और भी यूनिट्स में कवर होते हैं. तो मैंने एज सच एक यूनिट बनाया जिसमें मैंने स्पेशली फर्टिलिटी को ही फोकस किया, एक यूनिट बनाया जिसमें मैंने स्पेशली माइग्रेशन को फोकस किया, एक यूनिट बनाया जिसमें सारे फॉर्मूलेज और टेक्निक्स आते हैं उसको फॉलो किया. तो ऐसे करके मैंने अपना नोट्स बनाया था.
और डेटा का तो सेक्शन तो मतलब इतना वास्ट है हमारे पेपर के लिए, तो डेटा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके क्लासेस लेने से पहले मैं नॉर्मली प्रिपेयर करती थी सेंसस का डेटा, बस ऐसे ही नॉर्मली पढ़ के जाती थी कि जितना याद रह गया उतना काफ़ी है और पढ़ लेंगे। फिर मैंने आपके क्लासेस देखे तो आपने बताया नहीं सेंसस का डेटा, तो इस बार अच्छे से पढ़ के जाना है और फिर अपने क्वेश्चंस भी बनाए थे उसके ऊपर। मुझे जितना याद है आपने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे। फिर डेली बैठ के सेंसस के डेटा को याद करो, फिर बहुत सारे सर्वेज होते रहते हैं, नेशनल सर्वेज, SRS होता है, NFHS होता है, वो सारे सर्वेज के डेटा याद करना। मतलब सुबह उठ के आपको क्या करना है, तो पहले सबसे पहले डेटा रिवाइज करें, डेटा को एक पेपर में लिखो और उसको रिवाइज करो। बस ये था सर डेटा याद करने का टेक्निक। आपने बहुत सारे बताए थे, जैसे सीरियल ऑर्डर होता है ना, हम लोग याद करते हैं कंट्रीज का पॉपुलेशन वाइज, डिफरेंट ग्लोबल सिटीज होते हैं, बहुत सारे सिटीज, उसमें न्यूमोनिक्स बनाया याद करने के लिए, वही सारे नोट्स बनाते थे सर। तो अच्छा एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि जैसे अगर कोई स्टैट का स्टूडेंट है वो मास्टर्स स्टैट से किया और JRF पॉपुलेशन स्टडीज में हो रहा है, तो इसमें जो यूनिट, जैसे आपने कहा ना कि आपने यूनिट वाइज को टॉपिक में ही डिवाइड कर दिया, यूनिट 1 से यूनिट 10 को, और यूनिट 1 में जो टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके सेपरेटली आपने नोट्स बनाए, तो मतलब क्या ये इतना कठिन है, इतना टफ है कि स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है सोचते हैं कि इतने सारे यूनिट्स के नोट्स कैसे बनेंगे, वो नोट्स जो मेकिंग है क्या इतना जरूरी है, और अगर है तो कितना इफेक्टिव है, कैसे बनाने चाहिए, कुछ टिप्स हमारे JRF टॉपर से स्टूडेंट जानना चाहेंगे। सर नोट्स बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें डेली बेसिस में हम जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं या अब कोई भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नया टॉपिक मिल ही जाता है, मतलब उसमें ऐड करने के लिए, जो हमारा बेसिक नोट्स है उसमें ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ नया टॉपिक मिल जाता है। तो मैं क्या करती थी कि मैं यूनिट वाइज कभी नोट्स नहीं बनाए कि ये यूनिट 1 का है, यूनिट 2 का है, मैंने ऐसा कभी नहीं बनाया। इफ़ यू गो थ्रू द सिलेबस ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, तो उसमें यूनिट 1 और 2 में लगभग सिमिलर सब्जेक्ट ही है, जैसे कि मतलब फॉर्मूलेज हो गए, जो भी फॉर्मूला टेक्निक्स है, जो भी ट्रिक्स वगैरह है, वो सब एक यूनिट में आ जाता है। तो मैंने क्या किया, जो रिसेंट ट्रेंड्स के पेपर हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2018 उनमें से लेके दिसंबर 2019 तक के जितने भी रिसेंट पेपर्स हैं, मैंने उनमें से जितने भी उस टॉपिक के क्वेश्चन हैं मैंने उसको एक यूनिट में कर दिया। अब वो कहीं पे भी कर सकते हैं, मतलब मेरे लिए तो इजी था पावर पॉइंट में बना लेना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सॉफ्ट कॉपी में है तो उसको बस कॉपी पेस्ट करके बना लिया क्वेश्चन पेपर, मतलब खुद से अपना क्वेश्चन पेपर बना लेना। जैसे आप जैसे सर पढ़ाते हो ना अनअकैडमी में, तो आप खुद बना के क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट करते हो, तो हमारा तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो मैंने खुद के लिए एक पावर पॉइंट बना लिया था। तो हाँ, तो मैंने यूनिट 10 तक ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नहीं बनाया, सेपरेट सेपरेट करके बनाया, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो वो बहुत इफेक्टिव रहा, क्योंकि मैं लास्ट ईयर तक ऐसे ही पढ़ती थी यूनिट 1, 2, 3, 4 करके, फिर मैंने पढ़ा कि नहीं आज मुझे फर्टिलिटी कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट मुझे मोर्टैलिटी में पढ़ना है, फिर नेक्स्ट माइग्रेशन का सारा नोट्स कंप्लीट करना, तो मैं ऐसे करके नोट्स बनाती थी। जितने भी बुक्स के नोट्स हैं फॉर्मूला लिख लिया, थोड़ा बहुत डेफिनेशन जो है वो लिख लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, तो उसमें से भी कुछ न्यू ट्रिक्स मिल जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे घुमा के आ रहा है। इफेक्टिव रहा ये तरीका सर? मैंने हाँ सर ये बहुत इफेक्टिव रहा। अच्छा कौन सा सेक्शन आपके पॉपुलेशन स्टडीज में आपको बहुत डिफिकल्ट लगा उसे तैयार करने में, उसे रेडी करने में? सर सबसे डिफिकल्ट होता है हमारा जो 9th यूनिट होता है, जिसमें पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पढ़ना पड़ता है। उसमें इतने सारे पॉलिसीज कवर होते हैं, इतने सारे, मतलब नेशनल लेवल पे आप सोचिए हेल्थ के रिलेटेड कितने सारे पॉलिसीज होते हैं, बहुत सारे। उसमें से कोई एजी स्टेट्स के लिए होता है, कोई नॉन एजी स्टेट्स के लिए होता है, कोई एनुअल हेल्थ सर्वे होता है, उसके बेसिस में प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है सारे पॉलिसीज को कवर करना। मतलब आप ये सोचेंगे कि हम जो रिसेंट पॉलिसीज चल रहे हैं हम उसको पढ़ के जाएंगे, लेकिन पेपर में बहुत पुराने पुराने पॉलिसीज भी आ सकते हैं कभी कभी, तो उसको सीरियली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं कुछ जो हमारे जो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे का साइट है, मैंने वो साइट फॉलो किया था, उसमें उनके सारे लिस्ट्स रहते हैं। हाँ वो साइट मैंने फॉलो किया था, जो IAPS इंस्टीट्यूशन है मुंबई का,
आईआईपीएस इंस्टीट्यूशन, हाँ स्पेशली फॉर डेमोग्राफी एंड डेमोग्राफी पॉपुलेशन के के लिए ही है वो। लिए, हाँ डेमोग्राफी के लिए हाँ। तो मैंने उनके साइट में बहुत फॉलो किया था, उनके पेपर्स में देखती थी, उनके जो रिपोर्ट्स निकलते थे वो मैं देखती थी, उसमें बहुत कुछ हाइलाइट्स होता है कि कौन सा भी रिसेंटली चल रहा है, तो मैंने वो फॉलो किया था मतलब पॉलिसीज बनाने के लिए। आप ये बोल सकते हैं कि जितना मैंने नोट्स बनाया उसका 30-40% तो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ही था। 30-40% 40%, हाँ सर हाँ तो बहुत टफ रहा होगा ना इसको तैयार करना, तो क्योंकि बुक्स हाँ में सर तो है इसको नहीं कुछ, आपके पास कोई डायरेक्ट सोर्स है नहीं, सब कुछ आपको खुद से अरेंज करना था, तो थोड़ा हाँ सर डिफिकल्ट मेन रहा सोर्स तो होगा। आप गूगल ही बोल सकते हैं, मेन सोर्स तो गूगल ही है, तो गूगल गूगल पे को भी ही ऐसे आपको सब रिलायबल जो नहीं हो साइट सकता। चाहिए, हाँ गूगल पे भी ऐसे रिलायबल नहीं हो हाँ सकता, रिलायबल नहीं हो साइट पे सकता, चले जाओ कोई भी इंफॉर्मेशन मिल गया, ये जो मिल गया वेरिफिकेशन हाँ हाँ होता है आपके एंड पे, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ कैसे मैनेज किया आपने इन सब हाँ चीजों को? सर पॉलिसीज का मैं ये बोलूंगी कि मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नोट्स बनाती थी, डेली बेसिस में, जैसे कि कोई इनकम रिलेटेड पॉलिसी हो गया उसको एक दिन में नोट्स बनाया, फिर कोई हेल्थ रिलेटेड हो गया फिर उसको सेकेंड डे में बनाया। और नॉर्मली मैं एक गलती करती थी बहुत पहले, और शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ही करते होंगे, कि हम लोग नोट्स तो बहुत अच्छा खासा बना लेते हैं लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते रिवाइज प्रॉपरली, नहीं। रिवाइज नहीं करते प्रॉपरली। तो वो चीज़ मैंने रेक्टिफाई किया इस बार कि मैंने उसको रिवाइज किया अच्छे से, मतलब मैं ये एक मतलब अपने आप को ऐसे स्ट्रिक्ट रखती थी कि मैं जब भी सेकेंड पेज में नोट्स बनाऊंगी न्यू पेज में तो सबसे पहले मैं इसके पुराना वाला पढ़ के फिर उसके बाद आगे लिखूंगी, ये मैंने किया था। तो उसके बेसिस पे मेरा पॉलिसी रिवाइज हो गया था, मैंने एक शीट बनाया था, उसमें शीट पे मैं सब कुछ लिखती थी और उसको ऐसे टेबल पे रेडी टू स्टडी वाला रखती थी, जैसे भी मैं मतलब स्टडी रूम में घुसी तो थोड़ा सा देख लिया पॉलिसी तो रिवाइज हो गया ऐसे करके। क्या लगता है एक टॉपर को जब वो अपनी पिछली गलतियों से सीखता है, अपने उन मिस्टेक्स को रिमूव करने की कोशिश करता है, जब आप टॉप करते हो, जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, क्या डिफरेंस समझ में आता है आपको अपने आप में? उस वक्त आप खुद कैसा देखते हो कि आपने क्या मिस्टेक्स किए थे और कैसे उनको दूर किया? सर जब इस बार का जो प्रिपरेशन था मेरा सबसे डिफरेंट था, मैं ये बोलूँगी, इससे पहले मैंने जितने बार भी प्रिपेयर किया था, दिसंबर 2018 का तो वो इतना भी ऑफिशियल मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं उतना उतना प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन 2019 का जो 2 अटेम्प्ट था मैंने उसमें दोनों बार सेम ही चीज़ किया बट थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डाले, लेकिन मैं इतना टेक्निकली और इतना डीपली जाके मैं शायद नहीं पढ़ाई करती थी, तो इसलिए मेरा वो JRF वाला जो था वो वाला एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है ना वो वाला शायद नहीं हो रहा था। एक पॉपुलेशन स्टडीज़ में एक हम लोग का बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन होता है जो मेरा भी था कि कोई भी प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम पहले गूगल पे सर्च करते हैं कि क्या क्या स्टडी मटेरियल है, या फिर यूट्यूब पे हम लोग सर्च करते हैं कि कोई ऐसा चैनल मिल जाए जिससे हम पॉपुलेशन स्टडीज़ पढ़ लें, ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं हमको, और वो हमें ये बताते हैं कि पॉपुलेशन स्टडीज़ में ना बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस को आप पढ़ लो तो आपका नेट हो जाएगा, और हमें भी ये लगता है कि हाँ रिपीटेड क्वेश्चंस कर लेंगे, 2004 से क्वेश्चन उठा के हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका नेट हो सकता है लेकिन इससे आपका JRF कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि JRF नीड्स दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, जो हम लोग एक एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं वो चाहिए होता है, मतलब डीप सिलेबस पे कॉन्सेप्ट डीपली नॉलेज जाके हाँ, समझे। एक एक लाइन को पढ़ना। एक होता था हम लोग के सिलेबस में, मुझे अभी भी याद है, कुछ कुछ कॉन्फ्रेंसेस वर्ल्ड समिट्स लिखा था और साइट में ईयर मेंशन था, सिलेबस में ही मेंशन था, लेकिन जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैं उसको इतना डिटेल्स में नहीं देख रही थी इससे पहले, फिर जब मैंने उसको डिटेल्स में पढ़ा फिर मुझे लगा कि नहीं सिलेबस में ही आधे से ज़्यादा टॉपिक लिखा हुआ है और उसमें से भी क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम लोग देखते हैं कि हाँ बस वर्ल्ड समिट है, कि कोई कॉन्वेंशन है बस कॉन्वेंशन को ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, हमने ये नहीं देखा कि कॉन्वेंशन को किस कॉर्नर से देख रहे हैं वो लोग, तो वो कई सब बार ऐसा बहुत होता है कि काम सिलेबस करता से है। ही क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स, मतलब सिलेबस 2019 जनवरी में चेंज होता है, पेपर वन का पेपर टू सारे सब्जेक्ट का रिवाइज सिलेबस आता है, तो उसमें कई बार टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नए होते हैं। तो मैंने देखा कि उसके ठीक जो नेक्स्ट एग्जाम जो हुआ था जून 2019 का, सिलेबस से ही 3-4 क्वेश्चंस बने हुए थे, उन्हें आपको बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको उनके मार्क्स मिल जाते हैं, वो एक तरीके से आपके सिलेबस से ही आए हुए हैं, तो वो फ्री वाले मार्क्स हम कह सकते हैं अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो।
सकते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान को से पढ़ा चाहिए कि जाएगा। हाँ सिलेबस को हाँ भी पढ़ें, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ अपने क्लासेस में भी, यू शुड हैव अ सिलेबस, हार्ड कॉपी में हो, सॉफ्ट कॉपी में हो, कैसा भी हो, बट रहना चाहिए। तो देखना चाहिए कि तो मैं तो आपको बोलूंगी पढ़ना हार्ड है क्या कॉपी नहीं में ही पढ़ना। रहना चाहिए, हार्ड कॉपी ज्यादा सही रहता है, अपने पास रहता है और हार्ड कॉपी कॉपी ज्यादा उठा सही करके आप रहता देख है। सकते हो। हाँ, और उसमें हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि ये मैंने कंप्लीट किया, ये अभी बाकी है, उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, तो वो बहुत इजी रहता ये है। भी एक अच्छी सर, अच्छी एक चीज गलती है। मैंने की थी, मतलब पुराने प्रिपरेशन के टाइम पे, कि जब मैं डेटा प्रिपेयर कर रही थी, SRS का हो गया या सेंसस का हो गया, या फिर सेंसस का तो चलिए एक वेबसाइट है हम लोग का, उसमें से हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ सर्वेज ऐसे होते हैं स्पेशली पॉपुलेशन स्टडीज़ में विच आर वेरी यूनिक। कोई न्यूट्रिशन सर्वे हो गया, कोई माल न्यूट्रिशन का कोई केस हो गया जो हमको पहले नहीं पता होता है और नॉर्मली हाईलाइटेड नहीं होता है वो चीज़, तो तब मैं ये होता था कि मैंने नॉर्मली गूगल पे सर्च किया या विकिपीडिया में देखा या फिर कोई सोर्स में से देखा और मैंने उसको नोट डाउन करके याद कर लिया, लेकिन मुझे बाद में वो रियलाइज़ हुआ कि वो सारे डेटा सही नहीं है, मतलब वो ऑथेंटिक सोर्स से नहीं लाया गया। तो ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए कि कोई भी सोर्स मिला तो उससे ऐसे ही नॉर्मली याद कर लो, वो नहीं होना चाहिए कभी भी। आपने एक दिन बोला था क्लास में कि आप या WHO का साइट देखो या UN का साइट देखो, उसमें से बहुत ऑथेंटिकेट डेटा होता है, उसी को फॉलो करो, और मैंने भी वही किया है। दिन कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है, आप उसी के वेबसाइट से आपको डेटा ले रहे हो तो ही वो मतलब ऑफिशियल माना जाएगा। कई बार तो स्टूडेंट ये मैं सोचते हैं कि जस्ट गूगल कर लो, इस टॉपिक को लिख लो, और जो सजेशंस में आपको दिख रहे हैं टॉपिक, बस जो सामने दिखा वही उसका मतलब होता है कि हाँ, ऑफिशियल हो गया या मोस्ट ऑथेंटिक हम कह सकते हैं। हमें मोस्ट कई बार ना ऑथेंटिक। ऑफिशियल हाँ वेबसाइट से भी जाकर के देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये देखो कि कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं जिनका डेटा बहुत पुराना होता है, लेकिन वो बहुत आपको पुराना होता सामने है। रिफ्लेक्ट करेगा तो आपको लगेगा कि यही तो आंसर है, लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं। इससे क्या होता है कि गलतियां हो जाती हैं, आप उस वक्त तो पढ़ लेते हो और वो दिमाग में आ जाता है और फिर एग्जाम में जाकर के मिस्टेक्स हो जाते हैं। बिल्कुल सर, इसलिए कुछ ऑफिशियल साइट्स है, कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स के यूट्यूब वीडियोस हैं, उनका एक कंपाइलेशन है हाँ पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए स्पेशली मैं बोलूँगी, हाँ तो वो हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स हैं, IITs के प्रोफेसर, IIPS मुंबई के कुछ प्रोफेसर्स हैं, वो लोग, उनके रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, हालांकि वो बहुत पुराना है लेकिन कॉन्सेप्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, इम्पोर्टेंट है मतलब हाँ, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने खुद देखा है एक तो उसके कुछ नेम यूट्यूब वगैरह के बताना चाहोगे आप, प्रोफेसर। अगर आपको पता है तो लर्नर्स को हेल्प मिलेगी उससे। हाँ सर, NPTEL का एक साइट होता है, उसमें आप एनपीटी पॉपुलेशन स्टडीज सर्च करेंगे तो एक वीडियोस आते हैं कुछ सर के, कुछ टीचर्स के आते हैं वीडियो प्रोफेसर्स के, तो वो हम फॉलो कर सकते हैं। जिनके पास अभी बुक नहीं है तो वो लोग वो साइट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वो बुक का ही मटेरियल वो लोग पढ़ाते हैं, और नॉर्मल बुक रीडिंग से कोई वीडियो में पढ़ा रहा है तो वो थोड़ा और ईजी लगता है और इफेक्टिव अच्छा होता है, लगता है इजी भी सुनने होता में। है। हाँ हाँ, नोट्स बनाना भी उसमें से इजी होता है। और एक यूट्यूब में एक चैनल है, प्रोजेक्ट टिस प्रोजेक्ट या TISS, जो टिस मुंबई का जो साइट ये है ना इंस्टीट्यूट, टिस मुंबई का उनका एक चैनल है, उसमें पॉपुलेशन स्टडीज में बहुत सारे उनके ये हैं, तो टाटा वो हमें इंस्टीट्यूट फॉलो ऑफ सोशल करना, साइंसेस। सोशल साइंसेस। हाँ, उनका एक चैनल है, उनमें से पॉपुलेशन स्टडीज बहुत इफेक्टिव होता है पढ़ना। ओके अच्छा अब इप्सा, जैसे प्रिपरेशन तो बहुत जरूरी है अपने एंड से, हम अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के ऊपर फैमिली प्रेशर भी बहुत होता है, क्या आपने ऐसा कुछ फील किया? नहीं सर, फैमिली प्रेशर तो ऐसा कभी कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेरा मतलब MPhil PhD चल ही रहा है, मतलब मैं कर ही रही हूँ PhD, बट मुझे ऐसा था अपने एंड से कि जितना जल्दी हो सके ये नेट JRF का, मतलब JRF जल्दी से निकल जाए तो ये प्रिपरेशन का काम खत्म हो, फिर मैं आगे का कुछ और सोच सकती हूँ, क्योंकि एक दिमाग में रहता है ना कि 0.16% से मेरा JRF नहीं हुआ, 2 मार्क्स से JRF नहीं हुआ, अगर वो आप सोच लेते हो ना, फिर आपको लगता है कि नहीं और मेहनत करना है, और मेहनत करना है। इस बार जैसे लॉकडाउन हो गया तो इतना टाइम मिल गया, तो सबको लगता था, मे बी आई डोंट नो, कि बहुत सारे बच्चे नहीं आएंगे एग्जाम देने, क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, मे बी बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होगा, बट मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग जॉब होल्डर हैं, जो लोग अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, उनको भी कितना टाइम मिल गया घर में रह के,
तो वो लोग तो हमसे भी ज्यादा पढ़ रहे होंगे ना, वी आर स्टूडेंट बट नो डाउट, लेकिन वो लोग तो अभी से वेट कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा बिल्कुल प्रिपेयर कर रहे होंगे. तो जब भी मैं कुछ टाइम वेस्ट कर देती थी, जैसे कि एक दिन अगर मैं नहीं पढ़ी, वेस्ट हो गया, तो मुझे लगता है नहीं कोई तो होगा जो मेरे से अभी और ज्यादा पढ़ रहा होगा, दिन में 24 घंटे मेहनत कर रहा हो. हाँ, तो मेरे से वो आगे निकल जाएगा ना, तो मुझे उससे ज्यादा एफर्ट देना है. तो वो चीज मैं कर रही थी जब प्रिपरेशन के टाइम. मतलब हमें स्टॉप नहीं होना है, जब आप प्रिपरेशन में आ चुके हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको एकदम लगे रहना है डेली बेसिस पे स्टडीज में। गैप नहीं होना लगे चाहिए रहना. डेफिनेटली। गैप होने से क्या होता है ना कि प्रीवियस डे का जो आपका रीडिंग है और फिर नेक्स्ट जो आप रीड करोगे वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। माइंड भी हमारा ऐसा ही, एक दिन ना पढ़ो तो दूसरे दिन सिर्फ भूल जाते माइंड सेट लाना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. हैं। हाँ हाँ, अब भले ही कम टाइम पढ़िए लेकिन डेली बेसिस में कुछ ना कुछ पढ़िए तो जाके वो आपको अचीव होगा एक दिन. अच्छा, एक जेन्युइन क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कन्वर्सेशन करते हुए ही। बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, आप पीएचडी स्कॉलर हो, कितना डिफिकल्ट था अपने पीएचडी को करते हुए, है ना, पीएचडी वर्क करते हुए बाकी चीजों के साथ अपने स्टडी को भी मेंटेन रख पाना, ये कितना डिफिकल्ट था और कैसे आपने टाइम को मैनेज किया? सर, जैसे कि पीएचडी रिसर्च हम लोग करते हैं, उसमें आपको मेनली पेपर लिखना होता है या आपको बहुत सारे लिटरेचर रिव्यूज करने होते हैं. तो मैं ये करती थी कि जैसे कि पॉपुलेशन स्टडीज़ का प्रिपरेशन है, जिसमें कि बहुत सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़ने हैं, डेटा बेस्ड पढ़ना है, तो मैं अपने साइकिल के साथ उसको मेंटेन करती थी. क्योंकि मैं सुबह, मतलब जैसे मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग से जाग के पढ़ती थी, तो सबसे पहले मैं ये सिलेबस कंप्लीट करती थी, यूजीसी नेट का जितना भी पढ़ना है, और रात को मैं वो रिसर्च वाला काम थोड़ा बहुत करती थी. पेपर वर्क हो गया या फिर लिटरेचर रिव्यू हो गया, वो सारा, मतलब पेपर भी साथ ही साथ लिख रही थी और उसके साथ ही यूजीसी नेट का भी कर रही थी. दोनों साथ साथ चल रहे थोड़ा सा हैं। हेक्टिक था लेकिन फिर भी एक एक माइंडसेट होता है, एक जोश होता है कि नेट एनी हाउ कंप्लीट करना है इसका सिलेबस. तो अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे और हिसाब से है। तो मुझे थोड़ा हाँ इजी भी था, क्योंकि जैसे मैं लिटरेचर रिव्यू करती थी तो मैं भी डेमोग्राफी का ही पढ़ रही हूँ उस साइड में, तो वो भी थोड़ा बहुत हेल्प हो रहा है यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में. डेफिनेटली। वो एक हिसाब से इजी. एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि पहले JRF हो जाए तब पीएचडी में एडमिशन लिया जाए, या सिंपली उनका जैसे नेट क्लियर हो जाता है तो एडमिशन ले या ना ले। अब जैसे आपका JRF अभी हुआ, इसका मतलब आपने एडमिशन लिया होगा तो नेट के बेस पे लिया होगा, हाँ सर, नेट के बेसिस नेट पे के बेस पे लिया लिया होगा। था. तो क्या मतलब नेट के बेस पे एडमिशन लिया जा सकता है, और मतलब इससे क्या आप लाइफ के कैसे स्टेज पर चले जाते हो कि मतलब JRF की प्रिपरेशन करनी भी जरूरी ही होती है और पीएचडी में एडमिशन भी जरूरी ही होता है कहीं ना कहीं, तो क्या नेट बेस मान करके हम आगे जा सकते हैं? सर, नेट या JRF के रिजल्ट के लिए वेट करके हमें अपना नॉर्मल स्टडी, जो जनरल स्टडी है, वो नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी. क्योंकि हमें अल्टीमेटली पता है कि इफ़ यू आर गेटिंग नेट और JRF, मतलब एनीथिंग, नेट या JRF जो भी हो, आपको अल्टीमेटली एकेडमिक्स के लाइन में ही जाना है. जाना है। तो अगर जाना ही है तो फिर नेट या JRF के रिजल्ट के लिए क्यों वेट करना? आप तो साथ ही साथ दोनों हैंडल कर सकते हैं ना. जैसे देखा जाए तो हम लोग के ऊपर स्कूल में जब पढ़ाई करते हैं तब ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आपको 10 to 4 स्कूल जाना होता है या फिर कॉलेजेस जाना होता है. लेकिन बिल्कुल पीएचडी में इतना तो प्रेशर नहीं होता. नहीं। पीएचडी में आपको अपने एंड में काम करना होता है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं. दिन में सुबह जल्दी उठ के या फिर रात को लेट नाइट करके आप मैनेज कर सकते हैं. तो प्रिपरेशन कंटिन्यू रख के आपको पीएचडी में एडमिशन ले लेना चाहिए, फिर उसके हिसाब से आप जितना भी कर सकते हैं. क्योंकि जो 2 मार्क्स के लिए नेट या पीएचडी नहीं होता, वो हमारे हाथ में तो नहीं रहता. आप भले कुछ भी प्रिपेयर करें, कोई ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है जिसके वजह से आपका JRF ना भी हो, तो फिर तो एक टर्म वेस्ट हो गया ना, मतलब उसी हिसाब से देखा जाए तो पीएचडी में एडमिशन ना लेना मेरे हिसाब से कोई ये नहीं है. नेट के बेसिस पे हम लोग अच्छे से एडमिशन ले सकते हैं. मेरा नेट हो गया था, फिर भी मैंने एंट्रेंस दिया, क्वालिफाई किया, क्योंकि तब मेरी यूनिवर्सिटी में रूसा का फेलोशिप का वो एक प्रोग्राम चल रहा था, अच्छा और मैंने, हाँ, तो मैंने वहाँ मतलब एडमिशन भी लिया, मतलब एंट्रेंस दिया, क्वालिफाई किया, फिर उसके बेसिस पे मैंने एडमिशन लिया. ऐसा नहीं कि नेट था तो मैंने एग्जाम्ड कर लिया, मैंने दिया था, एंट्रेंस भी दिया था. बहुत सारी बातें आपने बताया विपशा, बहुत अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली लर्नर्स बहुत एंजॉय करेंगे इस वीडियो को, बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। अंत में चलते चलते हम चाहेंगे कि एज अ टॉपर आप हमारे लर्नर्स को कुछ ऐसा मोटिवेशनल, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताएं जिसे वो फॉलो करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं।
सर पॉपुलेशन, सर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया सबसे पहले, क्योंकि पॉपुलेशन स्टडीज के ऊपर कभी ऐसा डिस्कशन होता नहीं है कहीं पे भी, होता है। हाँ तो बहुत कम स्टूडेंट अपेयर करते हैं, और जो लोग भी अपेयर करते हैं वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम मेटेरियल्स ढूंढने में उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, या फिर जो भी मेटेरियल हम लोग कलेक्ट करते हैं वो ऑथेंटिकेट नहीं होता है, या फिर ऐसा कुछ हो जाता है, तो इसलिए ये डिस्कशन तो बहुत इम्पोर्टेंट था। जरूरी था, मैं ये स्पेशल केस था बोलूंगी कि हमारे लिए। हाँ, तो मैं ये बोलूंगी कि जितना बुक है, जितना बुक लोग फॉलो करते हैं, बुक फॉलो कीजिए, कोई ये नहीं है, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी न्यू कॉमर है उनके लिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट्स फॉलो करना, ऑनलाइन साइट से जो हमें मेटेरियल मिलता है, जैसे मैंने पॉलिसी का एक बताया और एक डेटा का बताया, जैसे मैंने आपका मेटेरियल्स फॉलो किया था अनअकैडमी से, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब नेट के साथ मतलब इंटरनेट से ये सब सर्च करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो एक एक दिन ऐसे नॉर्मली बैठती थी बिना कोई मोटिव के कि आज मैं इतने सारे पॉलिसीज ढूंढ के ही रहूँगी जितना भी मतलब सिलेबस में लिखा है, और इसके ऊपर मैं एक नोट्स बना के छोड़ूंगी, मतलब मैं ये करती थी एक एक दिन बैठ के, तो वो सारे सोर्सेस बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ना। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने ये एक बुक अच्छे से रीड कर लिया तो अब तो मेरा नेट हो जाएगा, ये नहीं बोल सकते। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे नोट्स बनाना भी इम्पॉर्टेंट है, और डेली बेसिस में कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, और डेटा तो कभी भी नहीं छोड़ना है, डेटा तो डेली कुछ ना कुछ करना है। ओके ओके। तो अभिषा, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, बहुत सारी बातें आपने बताई। काफी अच्छा लगता है जब आप टॉपर से इंटरेक्शन करते हैं, और आपकी इन बातों को वो स्टूडेंट्स भी सुनते हैं, देखते हैं, जिनके लिए कोई सोर्स नहीं होता है, कोई मोटिवेशन नहीं होता है। सो डेफिनेटली आई होप कि लर्नर्स को ये वीडियो काफी पसंद आएगा, और वो आगे भी हाँ आगे भी अपने एग्जाम्स में प्रिपरेशन करते रहेंगे। अंत में चलते चलते एक बात बोलना चाहूंगा मैं, कि कई बार ऐसा होता है कि हम हार मान जाते हैं। हार ना मानना ही हमारी वो मजबूती है जो हमें स्टैंड करती है हमारे और टाइम्स में। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि हार नहीं मानना है, हमेशा याद रखना चाहिए कि उन लोगों ने जिनसे आपसे कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उनको प्रूफ करना है कि नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच अभिषेक, आप हमारे शो में आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सर, फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारे ऐसी खुशियां आए, ऐसे एग्जाम्स आप टॉप करते रहें, और ऐसे लाइफ में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।